बिहार के अंदर गोपालगंज केस को लेकर राजनीति पूरे चरम पर है, जहां पुलिस इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए पूरे दमखम से जुटी हुई है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार की पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए ढीला रवैया अपना रही है। खुद ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू के बेटे तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा। पहले सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। आखिर अब तक कितने मामले सामने आए, आखिर पप्पू पांडे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा साफ साफ इसीलिए हम सरकार पे आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है ऐसे लोगों को जो है संरक्षण दे रही है। और मेरे कुछ सवाल है नीतीश कुमार जी से। एसआईटी गठित किया गया है, लेकिन क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसके गिरफ्तारी का? कब तक गिरफ्तार होगा पप्पू पांडे? आखिर मुख्यमंत्री जी कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहे हैं? और आज तक जितने भी आरोपी हुए पुलिस ने कभी भी गिरफ्तार नहीं किया, चाहे कोई भी मामला हो, बालिका गृह का मामला हो या सृजन घोटाले का मामला हो, सब लोगों को कागज जो है उसका लीपापोती करा करके, सबूत को नष्ट कर करके उसको जो है पूरी तरीके से फिर बाद में सरेंडर करा दिया जाता है। या ये मामला भी और जैसे मामले जैसे दबा दिए गए, इस मामले को भी दबा दिया जाएगा? नेम्ड एफआईआर है, साक्ष है, आई विटनेस है, सब कोई बोल रहा है, लेकिन आखिर कौन सा प्रेम है, नीतीश कुमार जी को कि बचाने का काम कर रहे हैं? और बीजेपी की क्या मजबूरी है कि उनके नेताओं को मार दिया जा रहा है, धमका दिया जा रहा है, तो वो चुप्पी साधे हुए? पुलिस की जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर की जिसके पास जो हेड है, जो कमांडर है, जो डीजीपी है, अब तक पूरे मामले में एक बयान भी नहीं किया है, दिया गया है। अभी भी डीजीपी महोदय जो है पूरी तरीके से जो है चुप्पी साधने का काम किया है। और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिहार में कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे। आखिर क्या मजबूरी है, क्यों पूरा पुलिस महकमा चुप है इस मामले में, क्यों मामले को दबाया जा रहा है? आप देखिएगा, हमारी मांग है कि विधायक जो है पप्पू पांडे, जो आदतन अपराधी है, उसके 3 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला जाए और कोशिश ये भी की जाए कि व्हाट्सएप कॉल का डिटेल भी निकाला जाए। पता चल जाएगा किन किन लोगों से, किन किन बड़े बड़े अधिकारियों से वो बात करता था, किन किन लोगों को जो है वो मदद के लिए फोन करता था, कौन कौन लोग जो है उनको बचाने का काम करते थे। और हम पूछना चाहते हैं कि आईजी रहते हुए किस अधिकारी ने, पप्पू पांडे को बचाने का काम किया शुरुआती दौर से? उसके मामले को किसने जो है ठंडा किया ताकि वो बिहार में और अपराध करता रहे? हम लोगों का संकल्प है कि बिहार को अपराध मुक्त बनाना है। सत्ता ही जब प्रोटेक्ट कर रही है अपराधियों को, तो क्या हम लोग आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ये सवाल जायज है कि मुख्यमंत्री टाइम फ्रेम बताएं, कॉल रिकॉर्ड निकलवाएं, डीजीपी जो है अपना स्टेटमेंट दे, चुप्पी तोड़े। अब बात प्रदेश के पुलिस के मुखिया तक पहुंची, तो उन्होंने भी जवाब देने में देरी नहीं लगाई। सुनिए डीजीपी ने क्या बयान दिया। गोपालगंज से हम हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं, आप किसी जाति के हो, किसी दल के हो, किसी मजहब को, अपराध और सच बोलना सीखिए, सच का साथ देना चाहिए। अपराध और अपराध की संस्कृति के खिलाफ मैं आज से नहीं लड़ रहा हूं। मैंने 33 साल की सेवा कंप्लीट की है और हमने अलग अलग मुख्यमंत्री के साथ काम किया है। हमने माननीय लालू प्रसाद यादव भी हमारे मुख्यमंत्री रहे, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी भी हमारी मुख्यमंत्री रही, और अब माननीय हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से आज तक, मैं विनम्रता के साथ कहता हूँ, केस का रिकॉर्ड खत्म नहीं होता, वो आज भी होगा। 10 जिलों में एसपी रहा हूँ, 20 जिलों में मैंने डीआईजी के रूप में, आईजी के रूप में सेवा दी है, लगातार फील्ड में रहा हूं।
और मैं यही कहूंगा कि एक भी कोई केस का उदाहरण आप निकाल लीजिए जिसमें हमने किसी दोषी को, गुंडा को, कातिल को, अपहरणकर्ता को, अपराधी को, संगठन का, गुंडों का गिरोह चलाने वाले को छोड़ दिया हो, या एक भी उदाहरण दीजिए जिसमें किसी निर्दोष को मैंने जानबूझ करके जातिगत भावना से या दलगत भावना से किसी को फंसा दिया, एक भी उदाहरण। नहीं करने ऐसी जलीलत वाली नौकरी, छोड़ दूंगा मैं, एक भी उदाहरण। किसी अपराधी को, अपहरणकर्ता को, क्रिमिनल को कभी संरक्षण दिया हो? किसी मामले में कभी कोई जात पात के नाम पर मैंने भेदभाव किया हो? मैंने तो 33 साल में अपनी जात का एक आदमी अपने साथ बॉडीगार्ड के रूप में आज तक नहीं रखा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।